हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, है ना। मैं हूं आपका दोस्त राजा अवस्थी और आज हमारे पास आया है गुडॉक्स का विरसो SM2 वायरलेस माइक्रोफोन, जो कि मेरे पास आया है सोनी माउंट का। इसमें अलग अलग माउंट आते हैं, आप निकॉन के लिए, कैनन के लिए भी इसको ले सकते हैं। मेरे पास जो आया है वो है सोनी माउंट के लिए, इसमें लिखा हुआ है स्पेशली S। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं और उसके बाद फिर करेंगे इसका डिटेल रिव्यू। तो ये एक बॉक्स है, सिंपल सा बॉक्स है। इसमें आपको निकिता डिस्ट्रीब्यूशन का 1 ईयर का वारंटी का डिटेल आ जाता है, ठीक है। 1 ईयर ऑफिशियल वारंटी आता है अगर आप इस ब्रांड से लेते हैं तो। अब यहाँ पे ये बजाज फाइनेंस की भी सुविधा है, यहाँ पे EMI के थ्रू आप ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो सुंदर सा बॉक्स है। बॉक्स को ओपन करने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये मैंने बॉक्स जैसे ओपन किया तो यहाँ पे आपको ये माइक आपको दिखाई देते हैं कुछ इस तरीके के। तो इसमें 2 माइक मिल जाता है आपको और एक आपको मिल जाता है रिसीवर, यानी कि 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं और एक रिसीवर मिलता है। आइए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। दोस्तों ये है इसका रिसीवर और रिसीवर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शू लगा रहता है, ये है एम शू जो कि सोनी के कैमराज में लगता है। तो ये काफी अट्रैक्टिव यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं कि इसका जो लुक है काफी अट्रैक्टिव है। और इस तरीके से आपको मिल जाते हैं 2 ट्रांसमीटर जो कि आपका माइक का काम करते हैं। तो ये है माइक्रोफोन, इसको आप लगाएंगे अपने कॉलर पे और इसको लगाएंगे अपने कैमरे पे। टोटल 3 सामान इसके अंदर है। इसके अलावा तो दोस्तों ये डेड कैट मिलता है साथ में आपको, एंड इससे आप जो भी एडिशनल विंड नॉइस है उसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी सरसराहट आता है उसको काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपको 2 मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ केबल्स आपको मिल जाते हैं। तो ये एक केबल आता है जिसको आप अपने कैमरे में यूज करेंगे, अगर आप कोई दूसरा कैमरा यूज कर रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये गुडॉक्स का एक केबल आ जाता है। इसके अलावा ये एक और केबल आ जाता है यदि आपको मोबाइल में यूज करना है तो। इसके अलावा चार्जर आ जाता है आपको 3-in-1, 3 सॉकेट दिए हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 3 सॉकेट को आप इजीली चार्ज कर सकते हैं इसके थ्रू। अब यहाँ पे और क्या आता है, तो यहाँ पे आता है ये एक माइक्रोफोन जिसे आप चाहें तो, यदि आपको लगता है कि भाई मैं इसे इस तरीके से लगाता हूँ, देखिएगा इस तरीके से आपने लगा दिया, और अगर आप चाहते हैं कि इसे इस तरीके से आप लगाएं, अगर आपको लगता है कि काफी बड़ा हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं इसमें एडिशनल माइक लगा सकते हैं, ठीक है। ये वायर वाला माइक आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है एंड इस माइक को आपको लगा देना है। ये माइक मैंने लगा दिया यहाँ पे, देखिए, और इसको आप छिपा सकते हैं नीचे और ये कॉलर माइक आपका लग जाएगा यहाँ पे। तो ये देखने में काफी अट्रैक्टिव लगेगा और आपको हेजिटेशन भी नहीं होगा कि आपको बहुत बड़ा माइक जो है वो डायरेक्ट लगाने से बचना चाहे तो आप इसके लिए ये भी आपको मिल जाता है। एंड इसके अलावा ये 2 मिलते हैं 2 माइक के लिए एंड यहाँ पे मिल जाता है एक कैरी केस। तो ये सारी चीजें मिलती है आपको इसके अंदर। और आइए एक बार इसका साउंड टेस्ट करते हैं और फिर समझते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों ओवरऑल गुडॉक्स का ये जो विरसो SM2 माइक्रोफोन जो है वो दिखने में काफी कमाल का है। और अगर मैं इसके क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी जस्ट अभी हम चेक करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये 200 मीटर तक का इसका रेंज है, वायरलेसली आप इसको 200 मीटर तक यूज कर सकते हैं। ये काफी बड़ा रेंज है और इसमें नॉइस रिडक्शन का भी ऑप्शन है जो कि हम अभी एक बार चेक करेंगे। एंड दोस्तों इसमें आप वॉइस को स्टूडियो या मोनो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड इसके साथ ही साथ इसमें वॉल्यूम कंट्रोल का भी ऑप्शन है। तो इतने सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक microSD कार्ड लगाने का ऑप्शन है। microSD कार्ड लगाने के बाद आप क्या कर सकते हैं इसमें एडिशनल साउंड को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं जो कि काफी अच्छा फीचर है, यानी कि आप एक्सटर्नली साउंड को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से ये एक रिकॉर्डर का भी काम कर जाता है, वो भी बहुत कमाल का। तो इसको फटाफट ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए सिंपली यहाँ पे इसका एक बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ का, तो ये ऑन ऑफ का जो बटन है इसको मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। ये मैंने कर दिया ऑन। जैसे आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे इसमें डिस्प्ले आ जाता है, देखिए ये डिस्प्ले आ जाता है एंड इस डिस्प्ले में इसकी ब्रांडिंग लिख के आ जाती है। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ का स्विच यहाँ पे दिया हुआ है माइक का, तो इसको मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। जैसे इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट जल जाती है और जैसे ही इसमें ब्लू कलर की लाइट जलती है, देखिए ये कनेक्ट जो कनेक्शन है ये कुछ इस तरीके से दिखता है कि जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं दोनों को, तो दोनों में यहाँ पे ब्लू लाइट जल जाती है। ब्लू लाइट जल गई इसका मतलब ये है कि ये कनेक्ट हो चुका है आपस में, आपको एडिशनल कुछ भी कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे आप माइक में अगर एक क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर एक क्लिक करेंगे तो आप इसको म्यूट कर सकते हैं और सेकेंड क्लिक में आप इसको क्या कर सकते हैं अनम्यूट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको आप म्यूट एंड अनम्यूट भी यहाँ से कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड। ये फीचर मुझे काफी अच्छा लगा।
और यहाँ पे अगर मैं इसके फीचर्स में जाऊं तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके लिए आपको इसको टैप करना पड़ता है। टैप करने के बाद आप यहाँ से वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए ए और बी का जो वॉल्यूम है इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं बैक आ जाता हूँ और इसके अलावा यहाँ पे इसी में ही अगर आप टैप करके चलते हैं, जैसे मान लीजिए मैं और भी टैप्स इसमें करता हूँ और यहाँ से अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये बैकलाइट का ऑप्शन ऑन हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो ट्रैक आप कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, पेयर है कि नहीं एक बार चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसकी डी नॉइस के ऑप्शन को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। डी नॉइस का ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डी नॉइस के ऑप्शन से क्या होता है, जो भी साउंड एडिशनल अगर कोई इधर उधर का साउंड आ रहा है तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। और आइए एक बार इसके साउंड को टेस्ट करते हैं और आप मुझे बताइएगा कि इसका साउंड आपको कैसा लगा। तो दोस्तों आइए इसको चेक करते हैं। अभी आपको जो साउंड आ रहा है वो डायरेक्ट कैमरे का साउंड आ रहा है। मैंने ये माइक्रोफोन अभी यूज नहीं किया है और कोई भी दूसरा माइक्रोफोन यूज नहीं किया है, कैमरे से डायरेक्ट साउंड आपको आ रहा है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा हो कि कैमरे का साउंड किस तरीके से आपको सुनाई दे रहा है। एंड एक बार हम इस गोडॉक्स के विर्सो SM2 को टेस्ट करते हैं। इसको मैं लगाता हूं अपने कैमरे के माउंट पे तो ये डायरेक्ट लग जाएगा। इसके लिए मुझे और कोई भी एडिशनल केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सोनी माउंट का ही है और सोनी के कैमरे में ये डायरेक्ट लग जाएगा। देखिए ये इसका माउंट है तो ये बड़ा कमाल का चीज है। इसको मैं डायरेक्ट लगाता हूं आपके सामने और उसके बाद हम एक बार वॉइस चेक करते हैं। तो दोस्तों अब जो आपको साउंड आ रहा है वो आ रहा है गोडॉक्स के विर्सो SM2 के माइक से। आई होप आपको इसकी क्वालिटी में फर्क समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने नॉइस कैंसलेशन का जो ऑप्शन है वो ऑन किया हुआ है तो जो भी एडिशनल नॉइस है वो भी मेरे ख्याल से इसमें नहीं आ रही होगी। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एग्जैक्टली मैं इसको चेक नहीं कर पा रहा हूं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका साउंड आपको कैसा लगा, क्या इसका साउंड बिल्कुल सही है। मैंने इस साउंड में कोई भी फेर बदल नहीं किया है। जब हम एडिटिंग करेंगे तब भी हम इसमें कोई फेर बदल नहीं करने वाले हैं, किसी भी प्रकार का पिच हम सेट नहीं करने वाले हैं। तो एज इट इज आपको इस माइक से जो साउंड आ रहा है वही आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों ये था गोडॉक्स का विर्सो SM2 माइक्रोफोन का रिव्यू, अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको ये माइक्रोफोन अच्छा लगता है तो मैं इसका बाय लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, वहां से जाके आप इसका प्राइस चेक कर सकते हैं और आप अपने यूज के लिए इस माइक को ले सकते हैं यदि आपको लगता है तो। अगर मैं ओवरऑल इस माइक की बात करूं तो इसके कुछ फीचर्स मुझे बहुत कमाल के लगे। एक तो इसकी बैटरी लाइफ काफी अच्छी लगी, 10 घंटे की इसकी बैटरी लाइफ है। दूसरा इसमें आप एडिशनल माइक लगा सकते हैं। तीसरा इसमें आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं विच इज वेरी गुड, यानी कि आप एडिशनल साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। चौथा इसमें आप वॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। यदि आप कहीं पर हैं, कहीं पर आपको बहुत कम साउंड की जरूरत है तो आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और ओवरऑल इसका जो लुक है काफी अच्छा मुझे देखने को मिला। तो अगर मैं एक कंप्लीट माइक्रोफोन की बात करूं तो उसमें ये ओवरऑल खरा उतरता है, मुझे काफी अच्छा लगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा माइक यूज करते हैं। फिलहाल लेटेस्ट में ये माइक मुझे अच्छा लगा। बाकी आप एक बार मुझे चेक करके बताइएगा कि आपको इसका साउंड कैसा लगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग। बाय बाय।